हेलो एवरीवन, आई एम योर हिंदी टीचर एंड टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर सेकंड एंड क्लास इज सेवन्थ। हाँ जी, एक शंका, आप तो नित्य अदालत में खड़े रहते हैं। एक शंका, किसी ने कहा कि आप, चौधरी जी को बताया कि आप तो नित्य अदालत में, हर रोज़ अदालत में खड़े रहते हैं चौधरी। हाँ, पर आज से अदालत जाऊँ तो मुझे गौ हत्या का पाप लगे। अब चौधरी जी बदल जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं अदालत जाऊँ तो मुझे गौ हत्या, मतलब गऊ को मारने जितना पाप लगे। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी गाड़ी कमाई अपने बाल बच्चों को खिलाओ। गाड़ी कमाई मतलब मेहनत की कमाई अपने बाल बच्चों को खिलाओ, और बचे तो परोपकार में लगाओ। अगर उस कमाई का कुछ हिस्सा बच जाता है तो उसे तुम परोपकार में लगाओ। वकील मुख्तियारों की जेब क्यों भरते हो? वकीलों को पैसे क्यों देते हो? अदालतों में क्यों जाते हो? थानेदार को घूस क्यों देते हो? घूस होती है रिश्वत, थानेदार को रिश्वत क्यों देते हो? अमलों की चोरी क्यों करते हो? पहले हमारे लड़के अपने धर्म की शिक्षा पाते थे, वह सदाचारी त्यागी पुरुषार्थी बनते थे। धर्म की शिक्षा पाने पर वो सदाचारी परोपकारी और पुरुषार्थी पुरुष बनते थे, मतलब मेहनत करने वाले परोपकार करने वाले बनते थे। लेकिन आजकल ये सब नहीं है, अब वे विदेशी मदरसों में पढ़कर चाकरी करते हैं। चाकरी करना मतलब नौकरी करते हैं, घूस खाते हैं, रिश्वत लेते हैं, शौक करते हैं, अपने देवताओं और पितरों की निंदा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, अपने देवताओं की निंदा करते हैं, बुरा भला कहते हैं, सिगरेट पीते हैं, हर तरह के नशे करते हैं, साल बनाते हैं और हाकिमों की गोड़ दाढ़ियाँ करते हैं। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने बालकों को धर्मानुसार शिक्षा दें? क्या वो कहते हैं कि हमारा ये धर्म नहीं है कि हम अपने बालकों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें? हम क्यों उन्हें चाकरी करने के लिए भेजते हैं? जनता, चंदा करके पाठशाला खोलनी चाहिए। चौधरी, हम पहले मदिरा को छूना पाप समझते थे, पहले हम मदिरा को छूना, शराब को छूना तक पाप समझते थे। अब गांव गांव गली गली में मदिरा की दुकानें हैं। हम अपनी गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए गांजे शराब में उड़ा देते हैं। गाड़ी कमाई मतलब मेहनत के पूरे करोड़, क्योंकि हम नशीली पदार्थों का सेवन करना शुरू, हमने सेवन करना शुरू कर दिया है। ये नशीली पदार्थों की हमें लत लग चुकी है। अब हम जितना कमाते हैं वो गांजे शराब में, गांजा शराब हो गया, अफीम खाना हो गया, सिगरेट, चोरा चकारी, इन चीज़ों में लगाना शुरू कर दिया है। जनता, जो दारू भांग पिए उसे डांड लगाना चाहिए। उसे डांड मतलब उसे दंड देना चाहिए। चौधरी, हमारे दादा बाबा छोटे बड़े सब गाढ़ा पहनते थे। गाढ़ा मतलब पहले घर के बने हुए कपड़े पहना करते थे। हमारी दादियाँ नानियाँ चरखा काता करती थी। सब धन देश में रहता था। हमारे जुलाहे भाई चैन की बंशी बजाते थे। चैन की बंशी मतलब आराम से रहते थे, क्योंकि हमारा जो सारा पैसा था यहीं अपने देश में रह जाता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, अब हम विदेश के बने हुए महीन रंगीन कपड़ों पर जान देते हैं, मतलब उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं और वही चीज़ें हम पहनते हैं। इस तरह दूसरे देश वाले हमारा धन ढो ले जाते हैं। दूसरे देश वाले जहाँ से हमें निर्यात या आयात करते हैं, वो हमारा धन अपने जगह, क्योंकि हम चीज़ें खरीदेंगे तो हमें उनकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, और जो हमारी पैसे हैं, गाड़ी कमाई है, वो उन लोगों को मिल जाती है। बेचारे जुलाहे कंगाल हो गए हैं। कंगाल मीन्स गरीब हो चुके हैं। क्या हमारा यही धर्म है कि हम अपने भाइयों की थाली छीन कर दूसरों के सामने रख दें? क्या अब हमें यही हमारे कर्तव्य है, यही काम है कि हम अपना पैसा दूसरे देशों में लगाएं, अपने भाइयों से थालियां छीन कर, मतलब उनकी रोटी, उनके पेट पर लात मार कर अपना जो बचा कुछ है, जो हमारी गाड़ी कमाई है, हम दूसरों के नाम करते जाएं? जनता, गाढ़ा मोटा सूती कपड़ा कहीं मिलता ही नहीं। आजकल तो वो चीज़ें मिलती ही नहीं हैं जो पहले ज़माने में हुआ करती थी। चौधरी, अपने घर का बना हुआ गाढ़ा पहनो, अदालतों को त्यागो, नशेबाजी छोड़ो, अपने लड़कों को धर्म कर्म सिखाओ, मेल से रहो, बस यही स्वराज्य है। जो लोग कहते हैं कि स्वराज्य के लिए खून की नदी बहेगी, वे पागल हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। स्वराज्य के लिए खून खराबा नहीं ज़रूरी, स्वराज्य के लिए ज़रूरी है मेल से रहना, ठीक है? और यही चीज़ें हमें स्वराज्य दिलाएंगी। जनता ये बातें चाव से सुनती थी, दिनों दिन श्रोताओं की संख्या बढ़ती जाती थी। चौधरी के सब श्रद्धा भजन बन गए थे, श्रद्धा भजन बन गए थे, मतलब चौधरी की श्रद्धा, चौधरी को पूजने लगे थे। अब हर तरफ चौधरी की ही चर्चा होने लगी थी। भगत जी भी राजभक्ति का उपदेश देने लगे। भाइयों, राजा का काम राज करना, प्रजा का काम उसकी आज्ञा का पालन करना है। जहाँ पर चौधरी जी उपदेश दे रहे थे स्वराज्य के बारे में, वहीं जो भगत जी थे वो राजभक्ति के बारे में कहते हैं कि जो राजा का काम है राज करना है, और प्रजा का काम है उसकी आज्ञा का पालन करना।
इसी को राजभक्ति कहते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमें इसी राजभक्ति की शिक्षा दी गई है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध चलना महान पाप है। राजविमुख प्राणी नरक का भोगी बनता है। अब वो भगत जी थे, वो कहते थे कि राजा का काम अपने कर्तव्यों का पालन करना, प्रजा का काम उसकी प्रजा का काम है उसकी कही सुनी बातों को मानना, और जो राजभक्ति के कार्य में बाधा डालता है या राजभक्ति के कार्य को सही तरह से नहीं चलाता वो नरक का प्राणी बन जाता है। अब एक शंका, राजा को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अब एक शंका किसी एक ने पूछा कि राजा को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरी शंका, हमारे राजा तो नाम के हैं, असली राजा तो विलायत के बनिए महाजन हैं। मतलब हमारे जो राजा हैं वो तो सिर्फ नाम के हैं, असली राजा तो हैं बनिए जो महाजन हैं। तीसरी शंका, बनिए धन कमाना जानते हैं, राज करना क्या जाने। अब वो कहते हैं कि बनिए तो सिर्फ धन कमाना जानते हैं, वो राज नहीं कर सकते। भगत, लोग तुम्हें शिक्षा देते हैं कि अदालतों में मत जाओ, पंचायतों में मुकदमे ले जाओ, लेकिन ऐसे पंच कहाँ है जो सच्चा न्याय करे, दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। यहाँ मुख देखी बातें होंगी, जिनका कुछ दबाव है उनकी जीत होगी, जिनका कुछ दबाव नहीं है वे बेचारे हार जाएंगे। अदालतों में सब कार्यवाही कानून पर होती है, वहाँ छोटे बड़े सब बराबर हैं, शेर बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। अब भगत जी कहते हैं कि जो लोग तुम्हें शिक्षा देते हैं कि अदालतों में मत जाओ, पंचों में बैठो, पंचों में बैठकर पंचायतों में फैसला सुनो, पंचायत फैसला कैसे सुनाएगी, वो पक्षपात होगा, क्योंकि जहाँ पर गवाह होंगे, जहाँ पर उनकी बनी बनावट होगी, वहाँ पर वो उसी तरफ न्याय कर देंगे और दूसरा उसे उचित न्याय नहीं मिल पाएगा। दूसरी शंका, अदालतों का न्याय कहने को ही। अब किसी एक ने कहा कि पंचों का न्याय छोड़ो, अदालतों का न्याय भी कहने के लिए है, जहाँ पर झूठे गवाह होंगे, जिसके पास बने बनाए गवाह होंगे, दांव पेच खेलेगा वही जीत जाएगा, उसी की जीत होगी। यहाँ पर भगत जी कहते हैं कि नहीं, ये तो अपने मन की बात है, अगर हम अदालतों में वकीलों के पास जाएंगे तो हमें उचित न्याय मिलेगा। धन्यवाद।